सेवा कर रहे थे कि हमारे साथ सरकार है जो हमें नियमित करेगी, हमें अपने घर भेजेगी। और एक पॉजिटिविटी, जब माता पिता का साथ होना तो बच्चा हमेशा पॉजिटिव काम करता है, बच्चा कभी डिप्रेस नहीं होता। हम इनके बच्चे हैं, पॉजिटिव काम करते गए, क्योंकि हमें पीछे आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहा, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन में मिलता रहा, पीयूजी भाई साहब को मिलता रहे, हमारे रीढ़ की हड्डी बनकर रहे, राजस्थान सरकार को मिलता रहा और हमारे अधीक्षक महोदय से लेकर प्रिंसिपल साहब सबका सहयोग मिलता रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती की कांग्रेस की दी हुई देर वो कभी नहीं भूल सकते, जो किसी के अफवाह में नहीं आ सकते, हमने आपको दिया है। तो हमको याद है जब हमारे साथ कोई था उससे रोजगार आकर किसी ने दिया वो कांग्रेस ने दिया है, हमारी प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। उस प्रतिभा को कोई संविदा में पहुंच सकता था, लेकिन आपने संविदा कर्मियों को बल जाएंगे। हम इस चीज को आगे से आगे बताएंगे कि अगर कोई हमारी सरकार है वो कांग्रेस सरकार है, हमारे साथ है तो वह अपनी सरकार है। ये बाकी सबकी बातों में किसी को नहीं आना है, अपने परिवार से लेकर हर जगह इस एहसान को, इस जिंदगी भर के एहसान को कभी भूलना नहीं है। मैं इसके साथ ही भाई साहब पीयू जी सर, मैं बड़े भाई साहब भी कहता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भाई की तरह है, कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। उम्मीद अस्पताल रामनारायण बिश्नोई, उम्मीद अस्पताल नरेंद्र बोहरा, महात्मा गांधी अस्पताल पवन मालव, महात्मा गांधी अस्पताल महावीर बीडिया सर, उम्मेद अस्पताल जितेंद्र बड़ा, कानाराम चौधरी, उम्मेद अस्पताल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राठौर जी, हमारे एमडीएम के अधीक्षक आसेरी जी, उम्मीद से अधीक्षक, एमजीएच से रंजना जी और राष्ट्री जी, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ कांग्रेसी और समाज सेवी राजू राम जी चौधरी, मेरे साथ लियाकत जी, अख्तर जी, अंजुला जी, जगदीश जी, और आपके पद पर और जगह पर आपकी जो नियुक्ति हुई है, और आप सबकी तरफ से, जोधपुर की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हमारे मंत्री रघु शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ कि आपने इन सभी लोगों को नौकरी देकर, कहते हैं ना स्थायी रूप से नौकरी देकर जो आपके चेहरों को खिलाया है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप लोगों का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5-2 सालों से, मैं हमेशा जब भी आप लोगों के साथ होती हूँ तो यही बात करती हूँ कि हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन इस धरती पर अकबर भगवान का कोई रूप है तो आप लोग। इसलिए आप सभी को कोरोना काल में काम करने के लिए नमन और धन्यवाद। जिस तरह राजू राम जी ने सही कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमेशा जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए और कर्मचारियों के लिए हमेशा एक अभिभावक के रूप में काम करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मुझे हर पहलू देखना है, लेकिन जब भी एक कर्मचारी की बात जाती है तो वो संवेदनशील तरीके से सोचते हैं और हमेशा हमें ये कहते हैं कि जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो चिकित्सक के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कोई कमी नहीं आने चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को परेशानियों से बचाते हैं, लोगों के दुखों को दूर करते हैं और लोगों की जो दर्द है उनको मिटाने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। और आपने जिस तरह कोरोना काल में काम किया, मैं जो सामने ये टीम बैठी है मंच पर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चाहे रात को हमने 2 बजे कॉल किया हो, चाहे रात को 4 बजे कॉल किया हो, इन्होंने उस कॉल को उठाया है और उस समस्या का समाधान किया है।